एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आइए दोस्त देखते हैं। यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ए बी है ना। इस पे हम देख रहे हैं क्या है, यूवीएल लगा हुआ है। यूवीएल तो मतलब होता है यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, एक समान रूप से बदलता हुआ भार। ठीक, जिसमें हम देख रहे हैं इसकी जो इंटेंसिटी है 0 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पर दिखाई गई है। इधर आपकी इंटेंसिटी कितनी है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर है। ओमेगा बाबू है यहाँ पे, ठीक है। ओमेगा क्या होगा बाबू यहाँ पे, यहाँ पे उसको हम इंटेंसिटी ऑफ लोड बोलेंगे या रेट ऑफ लोड बोलेंगे, ठीक है, ये है ना। अच्छा, अब इसका ही हमने क्या किया है यहाँ पे, ये तो लोडिंग डायग्राम हो गया, ये हमने क्या किया, एफ बी डी बनाया है। क्या बनाया है, एफ बी डी बनाया है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे यानी ए बी आपके एक लाइन खींचा है और बी डी रिएक्शन आर ए और आर बी दिखाया। जब हमने ऐसा किया है तो हम देख रहे हैं ये क्या, इसका टोटल लोड निकालना पड़ेगा लोडिंग डायग्राम का। तो जो टोटल लोड होता है वो होता क्या, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। तो यहाँ एरिया कैसा बन रहा है, त्रिभुजाकार बन रहा है, इसीलिए डब्ल्यू बराबर टोटल लोड बराबर एरिया या ट्रायंगल ए बी सी, मैंने नाम भी दे दिया उसको ए बी सी, इसलिए एरिया ट्रायंगल ए बी सी हो गया। और जो त्रिभुज होता है उसका जो एरिया होता है, एक बट्टे आधार गुणे ऊंचाई होती है, एक बट्टे दो इंटू आधार हो गया यहाँ से यहाँ तक यार, और डब्ल्यू इस ओमेगा जो क्या हो गया आपका, ये जो इंटेंसिटी दिया हुआ ऊंचाई के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा गुणा करने पे आएगा क्या, डब्ल्यू ओमेगा यल इंटू यल किलो न्यूटन, ठीक। अच्छा, अब ये जो शेप है, ये जो शेप है उसमें आपका क्या बोलते हैं, वो कैसा है, इसका गुरुत्व केंद्र निकालेंगे या इसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं वो निकालेंगे। तो वो सेंट्रॉइड जो होता है त्रिभुजाकार का, इधर से जिधर से लंब होता है उधर से एल बाई थ्री होता है, और इधर से बाबू क्या होता है, 2L/3 होता है। क्या होता है, 2L/3 होता है। तो इस चीज़ को हमने क्या बोलते हैं कि यहाँ पे दिखाया बीम पे है ना, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ तक 2L/3 है, यहाँ से L/3 है, ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, जी ले लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें आर ए निकालना है, तो आर ए निकालने के लिए हमने आपको कंसेप्ट सिखाया है, ठीक। आज हम गोइंग टू इलाहाबाद, तो इलाहाबाद ये हो जाएगा, ये इलाहाबाद है, ये क्या है बाबू, आजमगढ़ है, ठीक ठीक। अब मैंने क्या बताया था, जिसको पाना है उससे दूर जाना है, आरे निकालना है ना, इससे दूर जाओगे, इससे दूर जाओगे तो आपका ये आपका लोड दिखेगा, ठीक। अब इस लोड से इलाहाबाद तक की दूरी, इस लोड से इलाहाबाद तक की दूरी, ये लोड कितना है आपका, ओमेगा एल बाई टू, तो ओमेगा एल लिखा आपने, फिर बाई टू लिखा। इलाहाबाद तक की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया बाबू, 2L/3। अभी लिखने से पहले ये भी देख लेंगे हम कि क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे दोस्त, इलाहाबाद के रिस्पेक्ट में। अब ये देखो आपका ये ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, यानी एंटी क्लॉक वाइज। जब ये एंटी क्लॉक वाइज होगा, हमने आपको बताया था कल कि एंटी क्लॉक वाइज को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, जिसमें मैंने बताया था ना कि जो लड़की पॉजिटिव बात करती है, ठीक है, उसकी बात मैंने किया था। अच्छा, एंटी क्लॉक पॉजिटिव लेंगे, अगर यही पर क्लॉक वाइज ही लोड होता तो इसके रिस्पेक्ट में निकालते तो उसको माइनस यहाँ करके लिखना पड़ता, ठीक है, लेकिन वैसा है नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, बट्टे होगा, बट्टे आजमगढ़ से इलाहाबाद के बीच की दूरी कितनी है बाबू, यल है ना। अच्छा, यहाँ से बताइए ये क्या लेगा, ऐसे कट जाएगा, ये टू इससे कट जाएगा, आपको आर ए बहुत आसानी से मिल गया क्या, ओमेगा यल बट्टे 3 किलो न्यूटन, ठीक। अगर आपको आर बी निकालना, मान लो ये वाला रिएक्शन निकालना, तो आर बी जब निकालोगे आप, तो आप चाहो तो वही कंसेप्ट लगा लो, या क्या करो, या आप जानते टोटल लोड देख रहे हो क्या, डब्ल्यू एल बाई टू है, तो डब्ल्यू एल बाई टू में या ओमेगा एल बाई टू में से ये आपका ओमेगा एल बाई थ्री क्या करो, घटा लो, देखो 6 LCM होगा आपका, ठीक। टू से आप इसमें डिवाइड करोगे 3 आएगा, यहाँ हो जाएगा 3 ओमेगा एल, माइनस इससे भाग करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 2 ओमेगा एल, ये हल करेंगे तो आपका आ जाएगा ओमेगा एल बाई 6 किलो न्यूटन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इधर से भी आप चाहते तो कंसेप्ट लगा सकते थे, दिखाएं आपको, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया ना। आइए इसी चीज़ को हम इधर से भी दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है।